हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होती है? एक्चुअली डेप्रिसिएशन जो है वो मेथड है चार्जिंग का कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन एक्सपेंस, यानी एक्सपेंस के तौर पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जो है वो चार्ज करना कॉस्ट जो है फिक्स्ड एसेट्स की। फिक्स्ड एसेट्स को समझते हैं डेप्रिसिएशन को समझने के लिए। फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जिनकी लॉन्ग लाइफ होती है, जो यूज्ड होते हैं बिजनेस में और उनको दोबारा रीसेल के लिए नहीं खरीदा जाता बल्कि यूज़ करने के लिए खरीदा जाता है। जैसे मशीनरी है, प्लांट है, इक्विपमेंट है, व्हीकल्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें। अब कोई एक्सपेंस अगर इनकर्ड होता है तो वो चार्ज किया जाता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में उसी सेम पीरियड में जहाँ वो इनकर्ड हो रहा है। फिक्स्ड एसेट जो कि लॉन्गर पीरियड के होते हैं, क्वेश्चन ये कि कितना चार्ज करेंगे हम जो है वो, तो इस पर्पज़ के लिए हमें एस्टिमेटेड लाइफ पता होनी चाहिए। जैसा कि अगर एक एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ है 10 ईयर्स और वो एसेट्स है जनाब 150,000 के, यानी 1,50,000 का, तो ऐसे सिचुएशन में हर साल 15,000 डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी उस एसेट्स के ऊपर। इसी वजह से डेप्रिसिएशन को एक अकाउंटिंग एस्टिमेट भी कहा जाता है, यानी कि 15,000 रुपये हम चार्ज करते रहेंगे तो 10 साल बाद टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो टोटल की टोटल अमाउंट जो है वो उसका जो है वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट टोटल उसके कॉस्ट के जितना अमाउंट हो जाएगा एसेट्स की। अब जो अमाउंट हम डिडक्ट करने के बाद डेप्रिसिएशन अमाउंट को अगर हम डिडक्ट करते हैं, जैसे 150,000 माइनस 15,000 करेंगे तो जो उसके बाद वैल्यू आएगी डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद, उसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू कहते हैं। एसेट्स की वैल्यू के बाद, एसेट्स के अमाउंट के बाद जो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, उसके बाद जो वैल्यू है उसको हम कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू।